नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं क्योंकि संजय राउत की गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है। पात्रा चौल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ की गई, पहले 9 घंटे और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर देर रात संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी को लेकर अब तरह तरह के बयान आ रहे हैं, जहां एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं और ईडी का सामना दम भर कर करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त तंज उन पर कसा है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने उन्हें भोंपू बता दिया है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने उनकी गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए कहा है कि चलिए एक भोंपू तो अंदर गया, कम से कम रोज सुबह बजने वाला ये भोंपू अब अंदर रहेगा तो ठीक रहेगा। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे का ये तंज इसलिए है क्योंकि संजय राउत रोज सुबह उठते ही कोई ना कोई ट्वीट करते ही रहते थे जब से सत्ता उनकी गई है, और कभी एकनाथ शिंदे को टारगेट करते थे तो कभी बागी विधायकों को, तो कभी वो अपने आप से ही मोटिवेशनल अपनी तरफ से शायरी ट्वीट करते थे कि वो झुकने वाले नहीं हैं, वो किसी भी तरीके से बदलने वाले नहीं हैं। ऐसे तमाम तरह के ट्वीट उनके रोजाना आते थे और इसी को लेकर अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो एकनाथ शिंदे ने उन पर निशाना साधते हुए कह दिया कि एक भोंपू अंदर गया, चलिए ये अच्छा हुआ। फिलहाल एकनाथ शिंदे ने जब कहा कि एक भोंपू अंदर गया तो क्या इशारा इसकी ओर है कि आने वाले वक्त में और भी कार्रवाई उद्धव गुट के साथियों के साथ हो सकती है क्या? इस पर बड़ा सवाल है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे मुखर होकर संजय राउत पर तंज कस रहे हैं और उन्हें भोंपू बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका जाना बेहतर है क्योंकि वो अंदर रहेंगे तो ठीक रहेगा। आपको बता दें कि पात्राचाल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। 2007 का ये मामला है जिसमें हाउसिंग सोसाइटी का एक मामला था जिसमें तमाम तरह के बायर्स को घर बना कर देने थे, लेकिन उसमें घोटाला किया गया। फिलहाल अब जब सत्ता गई तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शिंदे जब से आए हैं और वो उद्धव गुट पर लगातार हमलावर हैं। फिलहाल संजय राउत जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। देखना होगा कि ईडी कितने दिन की हिरासत मांगती है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें भोंपू बताया है और कहा है कि रोज सुबह बजने वाला ये भोंपू अंदर गया तो बेहतर है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।